नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। विद्याभूषण रावत ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, इस वक्त की जो खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से आ रही, जहाँ कलेक्ट्रेट कंपाउंड में स्थित मोहम्मद आसिफ एडवोकेट व कन्या फाउंडेशन समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष के ऑफिस में आज दिल्ली से चलकर पहुंचे विद्याभूषण रावत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देश 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मना रहा है। जो समाज काम कर रहा है उसको उसके काम का पूरा दाम और सम्मान नहीं मिल रहा है। नगर पालिका में कर्मचारियों के ईपीएफ, संविदा पेंशन, सातवां वेतन का एरियर नहीं दिया जा रहा है। वहीं पर हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा है दूसरे मंदों में खर्चे किए जा रहे हैं, वहीं यह उनके साथ अन्याय है। आइए डालते हैं प्रेस वार्ता पर नज़र, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और कही है बड़ी बात हंगामा टाइम्स ब्यूरो। अमृत महोत्सव पे हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहते हैं कि स्वच्छकार समाज जो सबसे हासिल का समाज है उसको सत्ता के हर अंग में भागीदारी दी जाए और 5% का आरक्षण उसके लिए गैर सफाई पेशों में किया जाए, ताकि उस समाज के लोग भी जो है देश के भविष्य के प्रति अपना योगदान कर सके। नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों की स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि उनको पेंशन, उनको ग्रेचुटी, उनका पीएफ का फंड, उनका और पैसा जो है वहाँ अटका पड़ा है और लोगों को मिलता नहीं है। इस पर जाँच की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में फतेहपुर जनपद में बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं जिन्होंने अपने कुर्बानियाँ दी, उनके लिए जो है इस अवसर पर हमने यहाँ पर आकर कुछ चीज़ दिखाई नहीं दी। यहाँ के शहीद हिकमतुल्ला खान की कुर्बानी को हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन आज यहाँ पर आके आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हमें कहीं पर भी उनके नाम से कोई कार्यक्रम या कोई महोत्सव या कोई म्यूजियम नहीं दिखाई दिया। इसी शहर से जो थे मौलाना हजरत मोहानी, देश भर में लोग उनको जानते हैं, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि उनके नाम पे यहाँ पर कोई एक छोटी सी चीज़ भी हमको नहीं दिखाई दी। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपने सभी महानायकों का सम्मान करें, जाति धर्म के बंधनों से मुक्त अपने आप को करें, क्योंकि जो आज़ादी की लड़ाई थी वो हम सभी ने मिल करके लड़ी और तभी हम एक महान देश बने। क्या नाम है आपका? विद्याभूषण रावत, मैं लेखक और सामाजिक।